नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कोविड 19 में दुनिया की जो वैक्सीन लेके बहस हो रही है उसके बारे में। सत्यजीत, ये बात चल रही है कि जो कहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज है, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, उनके यहाँ ये बात चल रही है कि तीसरा टीका लगना चाहिए क्योंकि बूस्टर डोज की ज़रूरत है, ख़ास तौर से डेल्टा वेरिएंट जो आया है दुनिया में उसके अभी भी जो असर पड़ रहा है उससे लग रहा है कि जो वैक्सीन ले चुके हैं, टीका ले चुके हैं, वो भी कुछ हद तक इन्फेक्शन में के गिरफ्त में आ रहे हैं। दूसरी ओर अफ्रीका में हालत बहुत ख़राब है, साउथ ईस्ट एशिया में हालत ख़राब है, वेस्ट एशिया में कुछ मुल्कों में हालत ख़राब है। तो यह एक तरह की तस्वीर है जहां पर वैक्सीन पहुंच नहीं रही है, अगर पहुंच भी रही है बहुत कम मात्रा में पहुंच रही है। हालांकि तीसरी टीका डोज की डिमांड उन देशों में हो रही है जहां पर काफ़ी वैक्सीन पहुंच चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें पब्लिक हेल्थ के नज़रिए से क्या विचार होना चाहिए, क्योंकि WHO ने कहा है ये बहुत ही गलत कदम होगा, क्योंकि आपको अगर ये समझे कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लोगे दुनिया जाए भाड़ में तो आपकी प्रोटेक्शन भी नहीं होगी। ये एक ऐसा कदम होगा जो अमानवीय होगा, ये WHO को कहना है। तो आपको इस दिशा, इस संदर्भ में आपको क्या लगता है कि हमें जो हम समझते हैं सही बात है तो क्या सही इस वक्त है, अगर मुल्कों की नज़रिए से देखें या दुनिया की नज़रिए से देखें? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि चूंकि आज जो टीके मौजूद हैं वो डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी गंभीर बीमारी से और मौत से सही तरीके से बचाव करते हैं, तो इसलिए दो मात्राओं के अलावा तीसरी मात्रा दे के और ज्यादा सुरक्षित होने की कोई जरूरत नहीं है, और जितनी मात्राएं मौजूद हैं दुनिया के पास वो सारी दुनिया के उन मुल्कों में जाए जहां की किसी भी मात्रा में टीकों की कमी है। ये हुई दुनिया की नजरिए से सार्वजनिक स्वास्थ्य को के बारे में सोचने वाली बात, लेकिन मुल्क मुल्क का, खास करके अमीर देशों के मुल्कों का कहना ये है कि भैया ये जो टीकों की दो मात्राएं हैं हमारी वो अलबत्ता गंभीर बीमारी से और मौत से बचाती तो है लेकिन संक्रमण को नहीं कम कर रही डेल्टा के, और हमें ये भी चाहिए कि डेल्टा का संक्रमण भी कम हो। तो हमें डर इस बात का है कि टीकों के जरिए हम अस्पतालों में भर्ती होना कम तो कर देंगे लेकिन जो संक्रमण हो रहा है हमारी गांव शहरों मोहल्लों में वो भी हमें कम होना चाहिए, और उसके होने के लिए हमारी राय ये है कि तीसरा टीका अगर दे दें, यानी कि तीसरी मात्रा अगर दे दें टीके की, तो ये संक्रमण कम होने की संभावना है। अब यूं मसला आया है कि या तो ये करें या तो वो करें, या तो गरीब देशों तक और गरीब मुल्कों तक, गरीब लोगों तक दुनिया के टीकों की मात्राएं किसी हद तक पहुंचाएं, या तो अमीर देशों की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को बढ़ावा दें। अब इसमें आप हमें पूछ रहे हैं, मेरी तो राय यह है कि दुनिया के नजरिए से देखना चाहिए, लेकिन अपन ने यह भी मानना चाहिए कि कोई भी देश की सरकार पहले देश के बारे में सोचेगी तो सही। और ये जो अजीब सा मोड़ जहां पे अपन दुनिया के लोग आके पहुंचे हैं, ये पूंजीवाद के नजरिए से आना ही था, क्योंकि पूंजीवाद का तर्क हमें यहां तक ले आया है। ये आप कह रहे हैं कि अगर हम उत्पादन बढ़ाते, टेक्नोलॉजी और उत्पादन के जो साधन है उसको हम वितरित करते दूसरे देशों में, वहाँ उत्पादन करते, तो ये टीकों की कमी जिसके वजह से ये हमारी एक
ऑप्शन बन रहा है, ये करे वो करे, दोनों हम कर सकते थे। आपका कहने का मतलब ये एक्चुअली पूंजीवाद का बुनियादी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर कमी होगी मुनाफा ज़्यादा होगा, तो इसीलिए कमी को कम ना करें, ज़्यादा उत्पादन करके, ये पूंजीवाद का रास्ता नहीं है। और इस वक्त जो हम रास्ते में चलने वाले मुल्कों को देख रहे हैं और उनकी कंपनियों को देख रहे हैं, इसी रास्ते में वो चलना चाहते, ये साबित होता है। आपने ये प्रश्न ज़रूर रखा हमारे सामने कि देश की नज़रिए से देखें या अंतर्राष्ट्रीय नज़रिए से देखें, दुनिया के नज़रिए से देखें। और हम भी तो इसीलिए अपना एक्सपोर्ट पूरा टीकों का बंद कर दिया है, कुछ महीने किए थे इसके बाद बंद कर दिया है, क्योंकि हम अपना हिफाजत पहले करना चाहते। दुनिया के बारे में हम तब तक नहीं सोच सकते जब तक अपनी हिफाजत ना हो। ये हमारी भी सरकार की राय और बहुत सारे पार्टियों की भी राय हो चुकी है। हालांकि हम समझते हैं कि ये ऑप्शन हमारे पास इसीलिए आया क्योंकि कमी है। तो आपको क्या लगता है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम ली जा सकती थी जो हमने नहीं लिया, और क्यों इसको नहीं लिया हमने? तो पिछले साल से दो तरीकों से बातें हो रही थी। एक मैं मिसाल देता हूं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की बर्तानिया में, जहां के जिन्होंने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड वाले टीके को ईजाद किया है, उनका पहले से कहना था कि हम सभी को जो जो निर्माण करना चाहेंगे इस टीके को, हम सभी को इजाजत दे देंगे, हम सभी को मदद दे देंगे, हम कोई मुनाफा नहीं बनाएंगे इसमें से। अब क्या क्या बदला उस सोच में और क्यों उन्होंने एस्ट्राजेनेका के जरिए इस टीके को बाजार में लाया, वो एक अलग मसला है। लेकिन ये पहली सोच थी, और सोच ये थी कि लोगों के पैसों के आधार पर टीके ईजाद हो रहे हैं, लोगों तक आसानी से पहुंचने चाहिए, मुनाफा बना के नहीं पहुंचने चाहिए। ये हुई एक और सोच। दूसरी ओर की सोच ये थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कि सारे टीकों को इकट्ठा करके उनकी जांच पड़ताल करें, उनका एक दूसरे के साथ तौलनिक अभ्यास हो, और उस माध्यम से जहां पहुंचने चाहिए, कैसे पहुंचने चाहिए, किस मात्रा में कब पहुंचने चाहिए, इसका सबूतों के आधार पर हमें कुछ अंदाजा आ जाएगा। और WHO ने इसके साथ साथ सॉलिडैरिटी वैक्सीन ट्रायल के प्रस्ताव के साथ साथ एक कोवैक्स इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा था, जिसके माध्यम से सारी दुनिया को WHO एक अपनी ओर से जिसका संयोजन करेगी, ऐसे टीकों के मात्राएं पहुंचाने वाली प्रक्रिया का प्रस्ताव रखा था। ये सारी तीनों बातें अगर इकट्ठी होती कि बगैर मुनाफे के टीकों का निर्माण होगा और बगैर मुनाफे के टीकों की जांच होगी, पूरी पारदर्शिता के साथ टीकों की जांच होगी, खास करके तौलनिक जांच होगी, दुनिया भर में होगी, और जहां जरूरी हो, जहां वैज्ञानिक नजरिए से सोच समझ के, जहां जब जरूरी हो वहां तब वो टीके पहुंचाए जाएंगे, तो ये आज की नौबत ना आती। इसमें तीन मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये है कि जिन्होंने टीके ईजाद किए और जिन्होंने टीके विकसित किए, ईजाद और विकास में थोड़ा फर्क है, जिन्होंने टीके ईजाद किए, जिन्होंने टीके विकसित किए, उस विकास में जो सबक सीखे गए, वो सबक आगे चलकर दुनिया के सारे देशों में, ना सिर्फ अमीर देशों में, लेकिन अमीर गरीब दुनिया के जितने हो सके सारे देशों में निर्माणकर्ताओं के पास वो सबक पहुंचाने चाहिए थे, वो शिक्षा पहुंचानी चाहिए थी। तो शिक्षा पहुंचाने की बात तो दूर की, उन्हें इजाजत तक नहीं मिली कि आप भी टीके बनाने में शिरकत कर लो। तो ये हुई पहली बात। तो एस्ट्राजेनेका की जो पहला पैगाम था, सॉरी नॉट एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफर्ड की जो पहला पैगाम था कि हम सबको देंगे, वो पारित नहीं हुआ, वो एस्ट्राजेनेका के पास सीमित रूप से उसका कॉन्ट्रैक्ट पहुंचा। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि एस्ट्राजेनेका ने जितने कॉन्ट्रैक्ट दिए दुनिया भर में, वो भी बिल्कुल छोटे पैमाने पर दिए,
बहुत बड़े पैमाने पर नहीं दिए, जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट को दिया, जैसे कि और एक दो ऐसी गरीब देशों वाली कंपनियों को दिया, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं किया। तो फाइजर ने तो और ही अपने हाथ में रखा, मॉडर्ना भी वही करता था कि विकास और निर्माण सारे कदम मॉडर्ना और फाइजर ने बिल्कुल अपने पास रखे। तो इसलिए निर्माण का निर्माण की मात्रा बहुत कम रही। अब मॉडर्ना और फाइजर का की सोच तो साफ थी कि उनके टीकों के लिए बहुत ठंडगी की जरूरत पड़ती है टीके रखने के लिए, -70 सेल्सियस की जरूरत पड़ती है। तो गरीब देशों में तो उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं थी, तो उन्होंने गरीब देशों के बारे में सोचा भी नहीं। यहां तक कि मॉडर्ना को हिंदुस्तान सरकार ने इजाजत दी है इस्तेमाल की, लेकिन इजाजत देने के महीनों बाद अभी तक मॉडर्ना का एक भी डोज हिंदुस्तान में नहीं आया, सिप्ला के मार्फत जो आने वाला था। क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि मॉडर्ना छोटी छोटी कानूनी बारीकियों को लेकर हिंदुस्तान सरकार के साथ उलझ रही है। उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है लोगों तक टीकों के मात्राएं पहुंचाने में, उन्हें अपने बचाव की और अपने मुनाफे की चिंता है, और ये पूंजीवाद में जायज ही तो है। दूसरी ओर जो बाकी के टीके थे, जो चीन में बने, जो रूस में बने, जो जैसे भी हो भारत में बने, जो कोवैक्सीन वाला टीका में बने, इन टीकों की अंतरराष्ट्रीय इजाजतों को लेकर बड़ी अड़चने पैदा हैं, पहले से पैदा हैं, 6 महीनों से पैदा हैं। यहां तक कि इनमें से जो टीके, जैसे कि एस्ट्राजेनेका का हिंदुस्तान में सीरम इंस्टीट्यूट के मार्फत बनाया जा रहा कोविशील्ड का टीका, जो WHO की इजाजत प्राप्त सूची में है, वो भी आज यूरोपीय गुट मानता नहीं है। हालांकि एक एक देश मानने लगे हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन अभी तक नहीं मानता। तो ये दूसरा मसला है कि इजाजत किसको दें किसको ना दें। इजाजत के लिए जो पूरे दस्तावेजों की जरूरत होती है, उन दस्तावेजों पर कितनी बारीकी से देखा जाए, इसको लेकर ये जो बड़ी कंपनियां हैं उनके फायदे की बात यह है कि इन दस्तावेजों को बहुत बारीकी से देखा जाए। तो ये भी एक दूसरा नजरिया है जिसके फल में टीकों का आंकड़ा कम होते जा रहा है गया। अभी भी स्पुटनिक को WHO की इजाजत नहीं मिली, हालांकि चीन की 2 टीकाओं का इजाजत मिल चुकी है, और क्यूबा तो अभी तक उसके जो 2 टीके बने हैं वो अभी किसी की लिस्ट में नहीं है। कोवैक्सीन की हालत भी अच्छी नहीं है। इस तरह की लिस्ट की अगर इस तरह की सूची अगर देखें तो WHO को सूची में अभी भी नहीं है, और दूसरे देशों में इजाज़त नहीं मिल रही है। ये भी एक और मसला है जिसके वजह से टीकों की संख्या कम हो रही है, ख़ास तौर से स्पुटनिक, बिकॉज स्पुटनिक को काफ़ी जगहों पे इजाज़त मिल चुकी है उत्पादन करने की, और WHO अभी तक उसको स्वीकृत नहीं किया। हाँ, इसके साथ साथ आपको ये भी पूछना चाहते हैं कि दुनिया में अगर वैक्सीन उत्पादन करने की क्षमता देखें, जिसको बायोलॉजिक कंपनी, कोई भी बायोलॉजिक कंपनी अगर है तो वो कर सकती है, बायोलॉजिक कंपनियाँ अब दुनिया में काफ़ी मुल्कों में है, तो वैक्सीन उत्पादन करने पे इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसको ज़्यादा कंपनियों में वितरण करने की, तो ये रिस्ट्रिक्शन इस वक्त क्यों आ रही? तो आपने जो कहा पूंजीवाद की जो बात है कि जितना संकुचित रखा जाए उतना मुनाफा ज़्यादा होगा, और मुनाफा इस वक्त फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका को काफ़ी आने की मात्रा में दिख रहा है, उसकी सबकी शेयर प्राइस में काफ़ी उछाल आई है, प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर के लिए बताया गया काफ़ी अच्छी है, और लग रहा है जो पब्लिक हेल्थ के लिए ख़तरनाक है कि नए नए वेरिएंट्स निकलेंगे,
तो ये नए नए वेरिएंट्स निकलेंगे, तो टीका जिंदगी भर के लिए हमें लेना पड़ेगा। सुरक्षित मार्केट लंबे अरसे के लिए तब इन कंपनियों के पास होगा, ये भी एक पूंजीवाद की सोच है। बिल्कुल है, लेकिन इसमें आपने जो मुद्दे रखे उससे थोड़ा आगे जाकर मैं एक दो मुद्दे सामने लाना चाह रहा हूं। पहली बात यह है कि इसमें एक तकनीकी प्रणाली का मसला है। एक और तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सच है कि जैविक दवाइयां, बायोलॉजिकल मेडिसिन, जैविक दवाइयां बनाने में कामयाब उत्पादन निर्माण क्षमता काफी देशों में है, सिर्फ अमीर देशों में भी नहीं, गरीब देशों में भी इस तरह की काफी निर्माण की क्षमता है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, ईजाद और विकास करने वालों ने जो सबक सीखे हैं इन टीकों को लेकर, वो सबक इस बड़ी मात्रा में निर्माण करने वाले कंपनियों तक पहुंचने चाहिए। अब या तो आप ये कहो कि भैया वो काबिल नहीं है, या तो आप ये कहो कि भाई काबिलियत उनकी बढ़ा देंगे और उनको सबक उन तक पहुंचा देंगे। पूंजीवाद का जो तर्क है वो पहले नजरिए पे है कि उनकी काबिलियत नहीं है, इसमें नहीं है कि काबिलियत थोड़ी सी बढ़ा दें, सबक सिखा दें तो वो निर्माण शुरू कर देंगे। ये बिल गेट्स की जो बात रही है कि इनकी काबिलियत नहीं है तो इसीलिए इनके पास नहीं पहुंच सकती ये चीज, तो इसमें एक वैज्ञानिक अर्धसत्य का सहारा लेके पूंजीवाद अपनी बात बढ़ाए है, ये हमने याद रखना चाहिए। दूसरी बात, इकबाल की याद आती है कि टुकड़े टुकड़े होके जीने से भला क्या फायदा, इकबाल ने कहा था। लेकिन आज पूंजीवाद का जो तर्क है वो हमें यहां तक लाया है कि टीकों को लेकर हम टुकड़े टुकड़े बने हैं दुनिया भर में, और वो टुकड़े भी कैसे कि जिन देशों के पास हर एक डोज के लिए टीके के काफी दाम देने की क्षमता है, उन देशों को अपनाए हुए मॉडर्ना है, फाइजर है, जिनकी हजारों करोड़ों के मुनाफे के आंकड़े इस साल सामने आ रहे हैं, तो उन कंपनियों को यूं है कि हम हमारे बाजार को देखते हैं, तुम्हारे बाजार को देखो, हमसे कहते हैं चमन वाले गरीबाने चमन, तुम कोई अच्छा सा रख लो अपने वीराने का नाम। तो इसमें जो रूसी चीनी कंपनियां हैं या तो भारतीय कंपनियां हैं या तो एस्ट्राजेनेका जैसी बीच में हिलडुलने वाली कंपनियां हैं, उनसे ये एक तरीके से इशारा करा जा रहा है कि भाई तुम्हें गरीबों को बेचना है ना, तुम बेचो ना, लेकिन तुम हमारे मुनाफे वाले बाजार में ना आओ भैया, बंटवारा कर लेते हैं। और इस बंटवारे के अंतर्गत भी पूंजीवाद का एक बिल्कुल बुनियादी तर्क शामिल है। आज इस चीज पर चर्चा नहीं करेंगे कि जो कहते हैं जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज इस पे कैसे आ रहे हैं, वो और एक दिन के लिए छोड़ देते हैं। मैं आखिरी बात सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि जिस रफ्तार से हमें टीका बनाने की ज़रूरत है, वो उस रफ्तार से हम अभी तक नहीं बना पा रहे हैं। क्यों, उसकी बातचीत भी हमें और एक दिन रखनी पड़ेगी। पर साफ है कि जो सरकार कह रही थी कि हमारा टारगेट है फलाना करोड़ टीके हम साल के अंत तक दे देंगे, उसका अगर 50% से या 60% तक हम पहुंच जाएंगे तो बहुत अच्छी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि लग नहीं रहा है कि उस रफ्तार से हम अभी भी उत्पादन बढ़ा पाए हैं। और अभी भी अगर उत्पादन नहीं बढ़ा है तो अगले 4-5 महीने में हम उत्पादन उतना बढ़ा लेंगे, ये शायद संभव नहीं होगा। इस चीज़ को भी भविष्य के लिए रख लेते हैं सत्यजीत के साथ और एक दिन इसकी बातचीत करने के लिए। आज के लिए इतना ही,
देखते रहिएगा न्यूज क्लिक और हमारे वेबसाइट में भी आइएगा। Thank you.